हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, एक एक करके सभी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास भक्ति हिंदी भक्ति काव्य धारा के डैश डैश कवि थे। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के किस शाखा के कवि थे? पहला ऑप्शन हमारा ज्ञान मार्गी शाखा, सेकंड ऑप्शन हमारा ज्ञान श्रेयी शाखा, थर्ड ऑप्शन हमारा अब दोनों, और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कबीरदास जी थे वो हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की कृतियां हैं। सूरदास की कौन कौन सी कृतियां हैं? पहला ऑप्शन है सुर सागर, सेकेंड है साहित्य लहरी, थर्ड है हमारा सुर सरावली, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों सुर सागर की कृतियां हैं। सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये तीनों ही सूरदास की कृतियां हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ने कहाँ पर रामचरितमानस की रचना की थी? पहला ऑप्शन है हमारा काशी में, सेकंड ऑप्शन है हमारा अयोध्या में, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रयाग में, और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो तुलसीदास जी थे वो रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की। कहाँ पे की? अयोध्या में, जहाँ पे राम भगवान जी का मंदिर है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ पे की? अयोध्या में। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी के काव्य के भेद बताइए। देखिए, तुलसीदास जी के काव्य के भेद हैं, पहला ऑप्शन है हमारा प्रबंध काव्य, सेकेंड ऑप्शन है मुक्तक काव्य, थर्ड ऑप्शन है गीति काव्य, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त तीनों। ये तीनों ही तुलसीदास जी के काव्य है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रबंध काव्य में क्या क्या आता है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं आती है, तो प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे क्या है? प्रबंध काव्य है। और मुक्तक काव्य में पूछे तो मुक्तक काव्य में है कवितावली, दोहावली और प्रश्नावली। और गीति काव्य में कौन कौन सी है? गीति काव्य में है गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये क्या है? इनका गीति काव्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, ये तीनों ही तुलसीदास के काव्य के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, देखिए, बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 1601, सेकंड ऑप्शन है हमारा सन 1602 में, थर्ड ऑप्शन है हमारा सन 1603 में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है 1603 में। ठीक है, बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु पूछे तो इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 60 साल की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म है 1603 और मृत्यु है 1663। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है, बिहारी के काव्य का कौन सा प्रमुख रस है? पहला है हास्य रस, सेकेंड है रौद्र रस, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार रस, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बिहारी जी थे इनके काव्य का प्रमुख रस था श्रृंगार रस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी। इनमें से कौन से मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक है? पहला है झंकार, सेकेंड है पंचवटी, थर्ड है भारत भारती, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन स, जो भारत भारती पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त जी की, उसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषित किस रचना पर प्राप्त हुआ? ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषित किस रचना पर प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है हमारा वैदेही वनवास, सेकंड ऑप्शन हमारा पच प्रसून,
थर्ड ऑप्शन हमारा प्रिय प्रवास और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों ही अयोध्या सिंह हरियोध का रचनाएं हैं और इसमें से किस रचना पे उनको पारितोषिक प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन स प्रिय प्रवास पर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? पहला ऑप्शन है प्रेम पथिक, सेकंड है झरना, थर्ड है कमायनी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद की कमायनी है वो उसको अमूल्य धरोहर कहा गया है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। जो कमायनी महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद की, इस पर इनको अमूल्य धरोहर इसको कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? पहला ऑप्शन है दो, सेकंड है चार, थर्ड ऑप्शन है छः और फोर्थ ऑप्शन है मात्र एक। तो देखिए शब्द का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है, वो कौन कौन से हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, और सेकंड है उत्पत्ति की दृष्टि से, और थर्ड है रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, और फोर्थ है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? चार प्रकार से, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाक्य प्रयोग की दृष्टि से। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गाय किस प्रकार का शब्द है? पहला है सार्थक शब्द, सेकंड है एकार्थी शब्द, थर्ड ऑप्शन है अनेकार्थी शब्द और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गाय है वो एकार्थी शब्द है, ठीक है। एकार्थी शब्द क्या होता है? जो एक ही अर्थ प्रकट करे। गाय क्या है? गाय का एक ही अर्थ है, वो सिर्फ गाय है, तो ये एक ही अर्थ प्रकट कर रहा है, तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? एकार्थी शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब, एकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्प में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे अनेकार्थी शब्द पूछा है। देखिए अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो अनेकों अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, जो अनेकों अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है लोहा, सेकेंड ऑप्शन है कलम, थर्ड ऑप्शन है हंस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, हंस। देखिए हंस जो है वो अनेकों अर्थ प्रकट करता है, जैसे सूर्य आत्मा और हंस एक प्रकार का पक्षी भी है, तो ये क्या कर रहा है? अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है। और इसके जो दो ऑप्शन और है लोहा और कलम, ये एकार्थी शब्द है, ये एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो एकार्थी में लोहा और कलम भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हंस जो है वो अनेकार्थी शब्द है। हंस क्या है? अनेकार्थी शब्द है, जैसे ये इसका अर्थ होता है सूर्य आत्मा पक्षी, ये हंस एक प्रकार का पक्षी भी होता है, तो ये अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, अनेकों अर्थ प्रकट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 23, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। देखिए 13 से 23 तक में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। पहला है हमारा जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अदृश्य, सेकंड ऑप्शन है परोच, थर्ड ऑप्शन है गायब और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें अदृश्य होती हैं वो दिखाई नहीं देती, तो जिसे देखा ना जा सके वो क्या होगा? अदृश्य होगा। नेक्स्ट है हमारा जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन समाप्ति, सेकेंड है अनंत, थर्ड ऑप्शन है तेजस्वी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी अनंत। जिसका अंत ना हो सके उसके लिए क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। जिसका अंत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिसमें धैर्य ना हो। देखिए जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? पहला ऑप्शन है हमारा बलवान, सेकंड है अधीर, थर्ड है कमज़ोर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब अधीर। जिनमें धैर्य ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अधीर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तर न दे सके, ठीक है, देखिए जो उत्तर न दे सके उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है निरुत्तर, सेकंड है मूर्ख, थर्ड है अज्ञानी और फोर्थ ऑप्शन है अ व ब दोनों। तो इसका राइट आंसर है आंसर अ, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरुत्तर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहेंगे, निरुत्तर कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप परवीति घटना। देखिए आप परवीति घटना के लिए क्या होगा, पहला ऑप्शन है यात्रा वृतांत, सेकेंड है आप बीती, थर्ड है आत्मकथा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी आप बीती। आप बीती को ही तो बोलते हैं कि अपने पर बीता हुआ, जिसके पे बीतता वही जानता है, मतलब आप बीती। अपने पर बीती घटना को क्या कहेंगे, आप बीती कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी आप बीती। नेक्स्ट है हमारा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है नास्तिक, सेकंड है पुजारी, थर्ड है आस्तिक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन स है, ठीक है, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे आस्तिक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका कोई आकार न हो। देखिए जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं, निराकार, सेकंड ऑप्शन है गोल, थर्ड ऑप्शन है साकार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अ है, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट है हमारा जहाँ अनाथ रहते हैं। देखिए जहाँ अनाथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा अकेला, सेकंड ऑप्शन है हमारा अनाथालय, थर्ड ऑप्शन है हमारा होटल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ अनाथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अनाथालय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब अनाथालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पढ़ा लिखा हो। देखिए जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर ब शिक्षित। जो पढ़ा लिखा होता है उसी को शिक्षित बोलते हैं ना, कि वो पढ़ा लिखा शिक्षित है, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या कहते हैं, शिक्षित कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कभी न मरे। देखिए जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन है अलय, सेकंड ऑप्शन है अमर, थर्ड ऑप्शन है चिरंजीवी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर ब, ठीक है। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो काम करने में कठिन हो। जो काम करने में कठिन हो उसे क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन है दुष्कर, सेकंड है गलत काम, थर्ड ऑप्शन है अब दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो काम करने में कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुष्कर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर अ दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोम का विलोम क्या है। देखिए जो सोम होता है उसका विलोम क्या होता है, पहला ऑप्शन है मंगल, सेकेंड ऑप्शन है बुध, थर्ड ऑप्शन है उग्र और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है आंसर से सोम का विलोम क्या होता है, उग्र होता है, ठीक है। जो सोम है उसका विलोम होता है उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए जा रहे मुहावरे का अर्थ बताइए। दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ है, पहला है काया पलट होना। देखिए काया पलट होने का अर्थ क्या होगा, पहला ऑप्शन है शोभा बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है सुंदर दिखना, थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक परिवर्तन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, अत्यधिक परिवर्तन। देखिए ऐसे बोलते हैं ना, अरे उसकी तो काया ही पलट गई, मतलब उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो गया। तो जहाँ पे अत्यधिक परिवर्तन है उसका, जहाँ जैसे काया पलट होना का अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरे का, अत्यधिक परिवर्तन, ठीक है, अत्यधिक परिवर्तन होना। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट है हमारा ईद का चांद होना। ये तो सभी को पता होगा इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ईद का चांद होने मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
इसका ऑप्शन हम बोल दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है पागल हो जाना, सेकंड ऑप्शन है बहुत बोलना, थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक गुस्सा करना, और फोर्थ ऑप्शन है बहुत दिन बाद दिखना। तो जो इसका राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घड़ों पानी पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है बेशर्म होना, सेकेंड ऑप्शन हमारा शर्मिंदा होना, थर्ड ऑप्शन हमारा अधिक नहा लेना, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब, शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांत पीस कर रह जाना, ठीक है। दांत पीस कर रह जाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्रोध करके रह जाना, सेकेंड ऑप्शन है निश्चय करके रह जाना, और थर्ड ऑप्शन है सुनिश्चित कर लेना, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दांत पीस कर रह जाना, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो क्रोध बहुत जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और क्रोध करके रह जाते हैं तो उसके लिए क्या मुहावरा यूज़ करते हैं, अरे ये तो दांत पीस कर रह गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्रोध करके रह जाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है अत्यधिक सामान्य पाना, सेकंड ऑप्शन है अधिक सम्मान देना, थर्ड ऑप्शन है स्वयं ठीक रहो तो दुनिया ठीक रहेगी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी आप लोग को आई होप बहुत अच्छे से पता होगा, तो आप लोग ज़्यादातर ये सुने भी होंगे, आप भला तो जग भला यूज़ भी किए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया है, ठीक है। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया। पहला ऑप्शन है हमारा बाबू गुलाब राय, सेकंड ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आंसर ब, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष बताया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषाई कौशल नहीं है, इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा गद्य, सेकंड ऑप्शन हमारा पठन, थर्ड ऑप्शन है वाचन, और फोर्थ ऑप्शन है लेखन, ठीक है। तो भाषाई कौशल इसमें से नहीं है। पूछा है कि लैंग्वेज स्किल इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। जो लैंग्वेज स्किल होता है वो कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है गद्य, सेकेंड है पठन, थर्ड है वाचन, और फोर्थ है लेखन, ठीक है। तो देखिए पठन वाचन और लेखन ये तीनों क्या है, ये लैंग्वेज का स्किल है, ये तो लैंग्वेज का स्किल है ना, भाषाई कौशल है ना, लेकिन इसमें गद्य क्या है, गद्य ये भाषाई कौशल नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है भाषाई कौशल क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर अ, गद्य, ठीक है। गद्य क्या है, भाषाई कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्य का अर्थ क्या होता है। देखिए गद्य का अर्थ क्या होता है, बोलना पहला ऑप्शन है, सेकंड कहना, थर्ड ऑप्शन है वाक्य बनाना, और फोर्थ है स्पष्ट करना। तो जो इसका राइट आंसर है आंसर ब है कहना, गद्य का अर्थ होता है कहना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ब, कहना। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हम लोगों ने आपके सारे क्वेश्चन को इतने अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड लोग में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।